नमस्कार। आज हम पॉलीमर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो हम देखेंगे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में। एक्चुअली फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को ही हम बेकेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक थर्मोस्टेट्स हैं, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक्स हैं, इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जब कभी भी हमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में पढ़ना होता है तो हमें ये पता है कि ये दो मोनोमर से मिलकर बना है। एक इसका फिनॉल है और दूसरा इसका फॉर्मल्डिहाइड यूनिट है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेप में जो स्टेप का नाम है इसको कहते हैं मिथाइलोलेशन। मिथाइलोलेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो व्हाट हैपेंड इन मिथाइलोलेशन, फिनॉल ग्रुप जो होगा वो रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड से और ये क्या होगा, एक मिथाइलॉल ग्रुप इज सी एस टू ग्रुप। मिथाइलॉल ग्रुप जो होगा ये या तो आर्थो पोजीशन में या तो पैरा पोजीशन पर इंसर्ट होगा। ये भी आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये आर्थो पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली क्या हो रहा है, फिनॉल का एक मालिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के एक मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है और या तो आर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर या तो आर्थो पोजीशन पर क्या हो रहे हैं, आपको मिथाइलॉल डेरिवेटिव इंसर्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई ये आर्थो डेरिवेटिव ऑफ मिथाइलॉल है और इसी तरह ये नीचे वाला जो होगा पैरा डेरिवेटिव है। ऐसे ही अगर हम फर्दर ये मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्शन में जा रहे हैं तो अगर ये एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे या दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करें तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा। कैसे, अगर एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो एक जो CH2 या मिथाइलॉल ग्रुप है या तो कहां पर आ सकता है, या तो पैरा पोजीशन पर आ सकता है या अगेन आर्थो पोजीशन पर जा सकता है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर दो फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन देखेंगे तो क्या है, CH2OH तो पहले से ही है तो यानी बाकी के दो जो जगह है ये पैरा पोजीशन और ये आर्थो पोजीशन, इन दोनों जगहों पर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। ऐसा तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये इंटायर रिएक्शन किसका, ये इंटायर रिएक्शन को हम मिथाइलोलेशन कहते हैं। तो ये मिथाइलोलेशन होगा, ये प्रोसेस होगी। इसके बाद सेकंड इज अ नोवोलेट फॉर्मेशन। जो सेकंड स्टेप है इसमें इसको हम कहते हैं नोवोलेट फॉर्मेशन। नोवोलेट में क्या होगा, नोवोलेट में स्टेट चेंज बनते हैं। ऐसा नोवोलेट में क्या होगा, व्हेन मीडियम इज एसिडिक एंड P/F रेशियो इज ग्रेटर देन 1। खास बात इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड P/F, P फॉर फिनॉल एंड F फॉर फॉर्मल्डिहाइड, ये रेशियो जो होगा दिस इज मोर देन 1 हो, एक से ज्यादा हो और साथ ही साथ मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका फिनॉल है ये मिथाइलॉल डेरिवेटिव्स के साथ क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और इस कंडेंसेशन रिएक्शन से आपको क्या दिखाई देगा, कंडेंसेशन रिएक्शन से आपको इस तरह की चेन दिखाई देगी। ऐसे ये चेन जो होगा आपस में किससे जुड़ा होगा, CH2 से जुड़े हुए होंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं इसको है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको देखना होगा तो हम कैसे देख सकते हैं, यहां से देखिए हमने CH2OH लिया है आर्थो पोजीशन पर, -S2 किया है और क्या कर दिया, CH2 से दोनों को एडअप कर रखा है और फिर अगर इसकी चेन की लेंथिंग बढ़ाती है तो फिर क्या करना होगा, एक CH2OH और हमने लिया है और फिर उसको भी एडअप कर रखा है कंडेंसेशन रिएक्शन को दिखा करके। तो ये होगा आपका नोवोलेट। जैसा नेक्स्ट स्टेप इज अ रिशॉल फॉर्मेशन। रिशॉल फॉर्मेशन में क्या हो रहे हैं, रिशॉल फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि लॉन्ग चेन्स बनेगा लेकिन मिथाइलॉल डेरिवेटिव की संख्या यहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगी। ऐसा और वास्तव में इस रिशॉल का फिर से क्या किया जाए, इसको हीट कर दिया जाए। आफ्टर हीटिंग क्या होगा कि जो रिशॉल होता है ये ट्रांसफॉर्म होता है रिसाइट में। रिसाइट जो होता है हीटिंग के बाद 3-डायमेंशनल शेप का बनने वाला स्ट्रक्चर होता है। कुछ भी नहीं करना होगा, रिशॉल के ऐसे एक चेन यहां बना है, एक चेन और नीचे बना लीजिए और दोनों चेन को कंडेंसेशन होता हुआ दिखाइए और दोनों चेन को इस CH2 से, यहां के CH2 से, यहां के CH2 से, यहां के CH2 से आपस में जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बेकेलाइट का फॉर्मेशन जो है चार स्टेप पे कंप्लीट हो रहा है। चार स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज अ मिथाइलेशन, इंसर्शन ऑफ CH2OH ग्रुप एट आर्थो और पैरा पोजीशन, ये हो सकता है जिसमें दो स्टेप हमने आपको बताया, इस तरह के दो स्टेप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अ नोवोलेट फॉर्मेशन, नोवोलेट मैंने यहां पे आपको बताया, रिशॉल फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज अ रिसाइट फॉर्मेशन।
तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को। एक इम्पॉर्टेंट रेजिन से काफी बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसके बाद इसके बाद हम देख सकते हैं पॉलीमैट्स। पॉलीमैट्स में क्या है, पॉलीमैट्स एक इंपॉर्टेंट क्लास है, फाइबर का इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस पॉलीमैट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको दिखाई देगा एमाइड लिंकेज। देन व्हाट इज एमाइड लिंकेज? एमाइड लिंकेज इज अ सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, दिस इज कॉल्ड द एमाइड लिंकेज। तो आपको क्या दिखाई देगा कि जब भी दो मोनोमर्स आपस में एडअप होंगे तो उनके बीच में आपको इस तरह का लिंकेज देखने को मिलेगा। तो यही आपका क्या होता है, इसी को हम कहते हैं एमाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये इस तरह के लिंकेज आपको देखने को मिलते हैं। फाइबर देने वाले ये हैं पॉलीमर्स हैं, फाइबर्स पॉलीमर्स कहते हैं इनको है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है इसमें पॉलीमर्स में, उसका नाम है नायलॉन 66। अगर हम नायलॉन 66 की बात करते हैं तो नायलॉन 66 में आप देखेंगे दो नंबर यहां पर हैं, ये दो नंबर्स हैं। इन दो नंबर्स में से जो पहला नंबर होता है, ये जो पहला नंबर होता है ये हमेशा क्या बताता है, ये हमेशा डाईएमीन में कार्बन की संख्या को बताएगा। और जो दूसरा नंबर होगा ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या को बताएगा। एक्चुअली पॉलीएमाइड्स हमेशा किसका कॉम्बिनेशन होता है, पॉलीएमाइड्स जो होता है हमेशा कॉम्बिनेशन होगा किसका, डाईएमीन का, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए मैंने कहा कि जो पहला सिक्स होगा डाईएमीन में कार्बन की संख्या को, और दूसरा नंबर हमेशा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या को बताएगा। जैसे नायलॉन 66 हमें लिखना है तो 66 के लिए डाई एमीन ले लेते हैं। डाई एमीन लिखना बड़ा आसान है, डाई एमीन का मतलब है कि दो बार NH2 ग्रुप आएगा, ऐसे ये NH2 हो गया है। अब कार्बन की संख्या 6 रखनी है, कैसे बैलेंस किया जाता है, CH2 से, ऐसे CH2 का होल 6। इसका नाम हो गया हेक्सा, एक कार्बन है हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन, तो हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन, इसका रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन की संख्या फिर से 6 होनी चाहिए, तो फिर से किससे 6 होनी चाहिए, यानी COOH, देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, एंड देन CH2 से कंपनसेट होना है उसको लिख दिया मैंने, देन अगेन COOH, ऐसा। एक कार्बन यहां पर देखें, एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, दो कार्बन पहले से है, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6, यानी 4 करना पड़ेगा, ऐसा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है एडिपिक एसिड, ऐसा। कंडेंसेशन रिएक्शंस में कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं आसानी से, और फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा। अगर आपने एन फॉर्म में लिया है, सभी को एन के रूप में लिया है, तो निकलने वाला जो H2 होगा डेट इज ऑल्सो एन, ऐसा। और क्या करिए, अब फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा NH, एक हाइड्रोजन सपोज हम करेंगे अगले जो होगा अगले ग्रुप से ऐड हुआ होगा जो COOH के फॉर्म में रहा होगा, तो H नहीं लिखा जाएगा, देन CH2 का होल 6, ऐसा, फिर NH, ऐसा, ये NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O, ऐसा। ये इसका एक मोनोमर है, अगर हमसे कहता है भाई नायलॉन 6 इसका एक मोनोमर लिखिए, तो मोनोमर जब लिखने की बात कहेगा तो इसको आप लिखेंगे ऐसा, और इसका अगर होल एंड कर देंगे तो अब ये नायलॉन 66 कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नायलॉन 66, ऐसा।
तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 9166 बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये प्रिपरेशन है 9166 का। अगला जो इसका मेंबर है, अगला जो मेंबर है 9610। नायलॉन 610 इसका अगला मेंबर है। फिर से मैंने बताया कि जो फर्स्ट नंबर है ये जो है ये डाई एमीन में कार्बन की संख्या, और जो 10 है ये फिर से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या। तो डाई एमीन तो वही होगा जो 6 कार्बन का डाई एमीन ये है, हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन, तो यहां भी हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन होगा। बस इस बार कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, एन एच टू CH2 का होल 6 एंड उसी फॉर्म में फिर से लिख रहा हूं मैं ऐसे OH C डबल बॉन्ड CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH। ये हमने पहले से लिखा था। अब देखिए यहां तो कार्बन की संख्या 6 थी, लेकिन एक्चुअल में अब कार्बन की संख्या कितनी होनी, 10 होनी चाहिए। देखिए 1 2 यहां भी क्या चेंज करना पड़ेगा, 2 पहले से है तो यहां चेंज करना पड़ेगा आपको 8, ऐसा तो ये हो गया 10 कार्बन, 8 9 10 हो गया आपका, 8 9 और ये 10, ऐसा। नाम इसका सिबेसिक एसिड, ऐसा। फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाइए, ऐसा सब कुछ n फॉर्म में ले लीजिए, सब n होगा अगर तो माइनस NH2 और सब कुछ रिएक्शन सेम है, बस C जहां पे CH2 का होल 4 है वहां पे CH2 का होल 8 आ जाएगा बस। देखिए सब उससे है ना, देखिए यहां पर अंतर क्यों है, और इसी को हम कहते हैं नायलॉन 610। तो ये नायलॉन 610 है, सभी फाइबर्स हैं, गारमेंट्स बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नायलॉन की रस्सियां आती हैं और भी नायलॉन्स के ये आपके कपड़े बनते हैं, ढेर सारे नायलॉन्स के सॉक्स बनते हैं, जूते बनते हैं, टोपी में इस्तेमाल कई चीजें यार बनती है, सब नायलॉन्स के जितने भी आप देख रहे होंगे सब नायलॉन्स है, ऐसा। एक मेंबर और इसका नायलॉन 6, नायलॉन 6 को मैंने अलग से लिखा हुआ है, देखिए नायलॉन 6 कार्पोलेक्टम से बनता है, नायलॉन 6 का प्रिपरेशन कार्पोलेक्टम से है। कार्पोलेक्टम में भी कार्बन की, देखिए नायलॉन 6 है ना, इसका मतलब है कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रखी गई है। देखिए यहां से बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो लीनियर फॉर्म बदल जाएगा ऐसा। तो ये H2 के प्रेजेंस में हो रहा है, हाइड्रेशन की प्रोसेस है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये NH2 हो जाएगा और यहां पे C डबल OH हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH2 का होल 5 का मतलब, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये CH2 का होल 5 हो गया ऐसा, ये आपका NH, देखिए NH2 हो गया और ये आपका CH हो गया, C डबल OH हो गया। फर्दर हीट कर दीजिए तो ये तो आपका एक मॉलिक्यूल है, ऐसे कई मॉलिक्यूल आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन फिर होगा, और उस कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, H2O बन जाएगा, देखिए ऐसे यहाँ पे OH, और अगले का फिर क्या हो जाएगा, H ले लिया जाएगा NH2 से, तो किस तरीके से हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा मोनोमर, ऐसा NH CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O, ऐसा। और ये क्या होगा, बार बार आपस में ऐड होता रहेगा, यानी मोनोमर है, बार बार इसका एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा, नायलॉन 6 बन जाएगा ऐसा। तो नायलॉन 6 भी बनाना आसान है, बहुत ही सिंपल नायलॉन 6 को बनाना है, तो ये भी हम तो देख सकते हैं, नायलॉन 6 को बनाने को भी देखा जा सकता है, आसान तरीका है नायलॉन 6 को बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इन तीनों के प्रिपरेशंस को भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को भी लिख सकते हैं। तो नायलॉन जब भी देगा तो फुल क्वेश्चंस में देता है प्रॉपर्टीज, और नायलॉन के तीनों के बारे में पूछा जा सकता है, या तो नायलॉन 6 6 के बारे में ही केवल पूछा जा सकता है ऐसा। तो प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड प्रिपरेशन, ये तीन चीजें इसके क्या हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये सारा आप इसमें देख सकते हैं ऐसा। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजें लेकर के आएंगे. देन ओके, थैंक यू. आप इसे देख सकते हैं दोबारा, इसलिए मैं रोके रखा हुआ कि आप इसे कॉपी कर लें. ये फिनल फॉर्मल डेराइजेशन था, आप इसे भी देख सकते हैं. ये दूसरा स्टेप था नोवल एक. एक बार पीछे फिर फिल्म फ्रॉम डेट इज ओके देख ले सर. दो स्टेप में हो रही है मिथाइलेशन प्रोसेस. नोवलेक नीचे आई थिंक सफिशेंट समय हो गया है, आप लोग सब कॉपी कर लिया होगा. डालो 6-6 दिखा दें.
थैंक यू।